नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा सातवीं की हिंदी प्रथम का पाठ सात एक फूल, ये कहानी हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। तो आज हम इस कहानी के शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। अरसा यानी बीता समय, सुराग टोह या गुप्त बात का पता लगना, चंचल चपल जो कि स्थिर न हो, इखलाकर नाच नखरे दिखाकर, बरबस अनायास या बिना प्रयास के, अकूत अथाह या जिसका अंदाज न लगे, गुमसुम उदास। मौखिक प्रश्नोत्तर, देवकांत काशी छोड़कर कहाँ आ गए थे? देवकांत काशी छोड़कर अमृतसर आ गए थे। सोमेश बाबू कौन थे? सोमेश बाबू शहर के मशहूर वकील वह देवकांत जी के मित्र और सहपाठी थी। राधा का स्वभाव कैसा था? राधा का स्वभाव चंचल था। लघु प्रश्नोत्तर देखिए, सोमेश बाबू ने पुलिस से बचने के लिए देवकांत को क्या सलाह दी? सोमेश बाबू ने पुलिस से बचने के लिए देवकांत को यह सलाह दी कि थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके और तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकते हो। राधा ने गौरी को अपने गुल्लक में से कितने पैसे दिए और दोनों के मिलाकर कितने पैसे इकट्ठे हुए? राधा ने गौरी को अपने गुल्लक में से 4.5 आने दिए और दोनों के मिलाकर कुल 5.5 आने हो गए। देवकांत को अमृतसर आकर सबसे अधिक खुशी किस बात से मिली? देवकांत को अमृतसर आकर सबसे अधिक खुशी इस बात की हुई कि उनकी बेटी गौरी जो गुमसुम और उदास रहती थी यहाँ आकर बहुत खुश थी। सोमेश बाबू की बेटी राधा से उसकी मित्रता हो गई। नेक्स्ट देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, गांधी जी को लोग क्या क्या भेंट कर रहे थे? जब गांधी जी अमृतसर आए तो लोग उन्हें चंदा देने के लिए उत्साहित हो रहे थे और उन्होंने उन्हें सिक्के और नोट के साथ साथ महिलाओं ने अपने गहने तक उतार कर दे दिए और गौरी ने उन्हें फल भेंट किए। देवकांत को पुलिस ने कैसे पहचाना? जब अमृतसर प्लेटफॉर्म पर गांधी से देवकांत की भेंट हुई तो गांधी जी ने देवकांत को पहचान दिया और उनके मुंह से निकल पड़ा देवकांत। देवकांत के मुंह से देवकांत गांधी जी के मुंह से देवकांत की आवाज सुनकर जैसे ही भीड़ कम हुई पुलिस के 5-7 सिपाही देवकांत की तरफ बढ़े और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट देखिए, गौरी ने बापू की 2 मालाओं का क्या किया? शहर में जैसे ही किसी को पता चलता कि बापू ने गौरी को मालाएं दी हैं, तो वह दौड़कर गौरी के पास आता और गौरी माला में से एक फूल निकालकर उसे दे देती। इस तरह देते देते सिर्फ एक फूल बचा जिसे उसने अपने पिताजी की किताब के अंदर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि वह उसे अपने पिता को देना चाहती थी। प्रश्न नंबर 1 दीर्घ उत्तर का, यह जानते हुए भी कि इसमें खतरा है, देवकांत ने गौरी की जिद क्यों पूरी की? देवकांत अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे जब गांधी जी अमृतसर आए और देवकांत की बेटी गौरी गांधी जी से मिलने की जिद करने लगी। देवकांत के पीछे पुलिस पड़ी थी। इतना खतरा होते हुए भी वह गौरी की जिद पूरी करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि गौरी के मन में गांधी जी के प्रति बहुत आदर व सम्मान की भावना थी। गौरी ने राधा के साथ मिलकर गांधी जी को देने के लिए पैसे एकत्रित कर फल भी खरीदे थे। वे अपनी बेटी को मना करके उसे वापस उदास नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोचकर बताइए कि गौरी गुमसुम क्यों रहती थी और राधा हंसमुख क्यों थी? गौरी के पिता देवकांत क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे रहते थे और गौरी की माता का देहांत हो गया था। गौरी अकेले अकेले रहकर सहमी वह चुप चुप से रहती थी जबकि राधा हंसमुख थी क्योंकि वह अपने माता पिता व परिवार के साथ हंसी खुशी रहती थी। कहानी के आधार पर अनुमान लगाकर लिखिए कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों ने क्या क्या कष्ट सहे होंगे। आजादी की लड़ाई में न केवल स्वतंत्रता सेनानियों अपितु उनके परिवारों ने भी अनेक कष्ट सहे। कहानी के आधार पर गौरी अपने पिता से दूर रही लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी।
अपने पिता के इंतजार में वह गुमसुम सी रहने लगी। उसने अपने पिता के लिए एक फूल उनकी किताब में संभाल कर रखा, क्योंकि वह अपने पिताजी को भारत माँ की आजादी के लिए कष्ट सहने वाला सच्चा देशभक्त मानकर उनका आदर करती थी। इसी कारण छोटी सी बच्ची होकर भी उसने अपने पिता से दूर रहकर उतना ही कष्ट सहा जितना उसके पिता ने। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी कष्ट सहन करते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तब तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी। यह वाक्य किसने किससे कहा है? यह वाक्य गौरी ने राधा से कहा है। वक्ता किसके दर्शन करने चाहती है? वक्ता यानी बोलने वाला, तो यहाँ पर गौरी बोल रही है, तो गौरी गांधी जी के दर्शन करना चाहती है। दर्शनार्थी अपने साथ क्या लेकर गया था तथा किसके साथ गया था? दर्शनार्थी यानी गौरी, गौरी अपने पिता के साथ गई थी और अपने साथ फलों की टोकरी लेकर गई। दर्शनीय व्यक्ति ने वक्ता को बदले में क्या दिया? दर्शनीय व्यक्ति ने यानी गांधी जी ने वक्ता को यानी बोलने वाले जो ये वाक्य बोला है यानी गौरी को बदले में दो फूलों की माला दी, फूलों की दो माला दी। निम्नलिखित वाक्यों में पाठ के आधार पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। गौरी वकील सोमेश की पुत्री थी, रॉन्ग। गौरी किसकी पुत्री थी? देवकांत की। देवकांत जी क्रांतिकारी थे, राइट। हजारों लोग गांधी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, राइट। गांधी जी ने गौरी को फल खाने को दी, रॉन्ग। देवकांत जी को 2 वर्ष की सजा हुई थी, राइट। प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे पर सरकार के गुप्तचर थे, राइट। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। गांधी जी इकट्ठा करने आ रहे थे क्या? चंदा। राधा गंभीर होकर बोली, ठहर मैं अपनी लेकर आती हूँ। क्या लेकर आती हूँ? गुल्लक। गांधी जी उस समय पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? किताब। बच्चों की चीजें मैं नहीं लेता, कैसे नहीं लेता? मुफ्त में। गांधी जी ने गौरी को दी, क्या दी? मालाएं। आपने भी तो की आजादी के लिए कष्ट सहे भारत माँ। अब देखिए, जैसे एहसान के पीछे मंद लगाने से एहसान मंद बना, वैसे ही और भी आपको शब्द बनाने हैं। जरूरत में मंद लगाकर जरूरतमंद, फिक्रमंद, अक्लमंद और दौलतमंद। अब देखिए, निर्देशानुसार हमें काल बदलना है। गौरी गांधी जी से मिलने जाना चाहती थी, तो ये भूतकाल का सेंटेंस है, इसको हमें किस में बदलना है? वर्तमान में। तो गौरी गांधी जी से मिलने जाना चाहती है। गांधी जी ने उन्हें खूब अच्छी तरह जानते हैं, तो ये है हमारा वर्तमान का सेंटेंस है, इसको भूतकाल में। तो गांधी जी उन्हें खूब अच्छी तरह जानते थे। राधा ने अपने गुल्लक से पैसे निकाले, ये भी अपने भूतकाल के सेंटेंस है, इसको भविष्य काल में बदलना है। राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकालेगी, राधा अपनी गुल्लक से पैसे निकालेगी। इतने में गाड़ी आने की सूचना मिली, तो ये हमारा इसको वर्तमान काल में चेंज करना है, ये भूतकाल का है, तो इसको वर्तमान काल में कैसे चेंज करोगे? इतने में गाड़ी आने की सूचना मिलती है, आपके आश्रम में आपसे मिलूंगा, ये भविष्य काल का सेंटेंस है, इसको भूतकाल में चेंज करना है। तो आपके आश्रम में आपसे मिला था, मिस्टर देवकांत आपको गिरफ्तार किया जाता है, ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, इसको भविष्य काल में चेंज करना है। तो आप लिखोगे, मिस्टर देवकांत आपको गिरफ्तार करेंगे। अब नीचे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को वर्णों के क्रम के अनुसार लगाइए, यानी अल्फाबेटिक, जैसे इंग्लिश में आप अल्फाबेटिक लगाते हो ना, वैसे हिंदी में भी आपको शब्द कोश के अनुसार वर्णों को लगाना है। तो सबसे पहले तो देखिए, स्वर वाले शब्द आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ए आ ई ई ऊ ऊ के शब्द आते हैं हमेशा, और ए आ ई ई ऊ में भी सबसे पहले अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे शब्द कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? यहाँ पे ए का कोई भी शब्द नहीं है, तो अब हम देखेंगे आ से कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है क्या। तो आ से अपने पास कौन सा शब्द है, ये देखिए, आ से अपने पास है आएंगे और आजादी। आएंगे और आजादी में आप देखिए, आ आ दोनों में एक जैसा, लेकिन इसमें जा आ रहा है और इसमें ए आ रहा है, तो पहला वर्ण क्या आएगा? ए। आएंगे, तो पहला यहां पर आ जाएगा ए, आएंगे,
नेक्स्ट आएगा आजादी, उसके बाद में देखिए ई से कोई शब्द आ रहा है, कोई नहीं है, फिर उसके बाद में ई बड़ी ई से भी कोई नहीं है, उसके बाद में हमारे पास आ रहा है ऊ से हमारे पास शब्द आ रहा है, तो ऊ से हमारे पास जो शब्द आएगा वो देखिए उनके, उनके शब्द आ रहे हैं हमारे पास, तो आ आएंगे आजादी, उसके बाद में उनके, उसके बाद में देखो ओ आई औ कोई भी शब्द नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारे स्वर खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं व्यंजनों में, तो कैसे यहाँ पर कोई शब्द है क्या, नहीं है, कह की लाइन में ख आता है, ख से भी कोई शब्द नहीं है, घ से भी नहीं है, घ से भी नहीं है और ळ से भी नहीं है। आगे देखिए च से है हमारे पास चमक, चमक शब्द है हमारे पास, तो उसके बाद आता है चमक, तो आएंगे आजादी उनके फिर चमक, च के बाद में छ ज झ और ये, फिर ट की लाइन में कोई शब्द नहीं है, ठ की लाइन में कोई शब्द नहीं है, ड ढ ण, फिर त, त की लाइन के पास में देखिए तब, तब तब शब्द हमारे पास है, तो चमक के बाद में आएगा तब, तब के बाद में देखो त थ, थ का कोई शब्द नहीं है, द का कोई शब्द नहीं है, ढ का नहीं है, न का नहीं है, फिर उसके बाद में प, प का हमारे पास दो शब्द हैं, एक तो पास और एक पैसे, एक तो पास और एक पैसे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर क्या है देखिए, पास में आ की मात्रा लगी है और पैसे में आई की मात्रा लगी है, तो हमेशा आपको ये चीज का ध्यान में रखना होगा कि हमेशा आई की जो मात्रा होगी वो बाद में आएगी, आ की मात्रा पहले आएगी, तो ये भी हमारे कंप्लीट हो गए पैसे और पास, ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में प के बाद में फ ब, वैसे क्या है बोझ, वैसे हमारे पास क्या आ गया, बोझ शब्द आ गया, तो ये देखिए हमारे पास ये रहा बोझ शब्द है ना, ब, फिर भ, भैसे कोई है, भ म, प प ब भ म, मैसे है मित्र, उसके बाद में देखिए र, र की लाइन आएगी ये र ल व ना, तो ये का कोई भी शब्द हमारे पास नहीं है, र के हमारे पास दो शब्द हैं, एक तो है रखा और एक है राधा, तो पहला शब्द आएगा रखा क्योंकि इसमें सिर्फ ए, ए की मात्रा है, और उसके बाद में आएगा राधा, फिर देखिए व ना, ल, ल का कोई भी वर्ण नहीं है, वे का नहीं है, उसके बाद में देखिए स, श, स है, तो स का हमारे पास एक वर्ण है, सहपाठी, तो ये आ गया हमारा सहपाठी, और उसके बाद में लास्ट में बचता है हमारे पास हाथ, तो आ जाएगा हाथ, तो इस प्रकार से ये अल्फाबेटिक हमने अरेंज कर लिए हैं, तो ये आपकी पीडीएफ कंप्लीट होती है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपनी कक्षा टेस्ट के लिए इसको लर्न कर लीजिए, धन्यवाद।